नमस्कार दर्शकों, एसबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं हिसार के सेक्टर 14 में, जहां पर 6 दिवसीय एक निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। जहां पर डॉक्टर राहुल बंसल जी ने लोगों का इलाज किया और इस निशुल्क शिविर में सभी प्रकार की जांच फ्री थी और एक्सरे और दांत भराई का कार्य भी हुआ है। तो आइए हम ज़्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर साहब से बात करते हैं और पेशेंट्स जो आए हैं उनसे जानते हैं किस तरह का उनको ट्रीटमेंट मिला है और क्या कहेंगे वो इस पर। नमस्कार मैडम जी, आप इस निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर में पहुंचे हैं तो किस तरह से आपको सहयोग मिला, डॉक्टर साहब ने कैसा ट्रीटमेंट किया? बहुत अच्छा डॉक्टर लगा आके यहाँ पे, इन्होंने बहुत अच्छे से केयर की है, बहुत इनका देखने का तरीका, इनका सब कुछ बहुत अच्छा लगा जी। और मुझे काफी मतलब आने से यहाँ फायदा हुआ है जी। और जैसे मैं और डॉक्टर्स के पास भी गई हूँ, कंपेरेटिवली इनके पास आके मुझे रिलैक्स मिला यहाँ आके जी। जी, शुभ नाम मैम आपका? मेरा नाम मोनिका जैन जी। धन्यवाद मैम। हम गुड़िया से बात करते हैं। हाँ जी गुड़िया, डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट करवा के आपको कैसा लगा, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा लगा, इनका जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही केयरिंग वे से ये ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट की बहुत अच्छे से सुनते हैं, मतलब बाकी डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग इनका बिहेवियर बहुत पोलाइट है, बहुत अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं प्रॉब्लम्स को। थैंक यू। क्या नाम है डॉक्टर साहब? गुड़िया। ठीक है जी, आप कहाँ से? हिसार से। थैंक यू। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल बंसल जी, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो कैंप का आयोजन किया गया है, इस कैंप के बारे में बताएं आप, किस तरह से इसका आयोजन हुआ और क्या कहेंगे इस कैंप के बारे में? ये कैंप मैंने अपने दादाजी लाला रामेश्वर दास बंसल जी की पुण्य स्मृति में किया है, पंचम पुण्य स्मृति के अवसर पे किया है जी। मैं उनके स्टार्टिंग से बचपन से उनके विचारों से बहुत प्रभावित था, कैसे वो जहाँ पर भी देखते थे कि जो साधारण विहीन लोग है, कैसे वो उनकी सेवा कैसे की जा सके, इससे मैं हमेशा से प्रेरित रहा हूँ। उसी की वजह से उनके पुण्य स्मृति में पिछले 3 साल से मैं कैंप लगा रहा हूँ। ये मेरा चौथा कैंप था जी। 6 दिन का लगाते हैं हम, 9 से 14 तक 6 दिन से शिविर लगाते हैं जी। इसमें सभी प्रकार की दवाइयाँ, सलाह, जांच, एक्सरे, कोई दांत भरने का, दांत की भराई और दांत निकालना, सब कुछ निःशुल्क रहता है जी। और जी, इसके शुरुआत में मेयर साहब पहुंचे इस जी। इस बार शिविर का शुभारंभ हमारे महापौर मेयर साहब डॉक्टर श्री गौतम सरदाना सर ने किया। उस टाइम में पार्षद कविता केडिया मैम भी उपस्थित रहे, बाल विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष महिपाल यादव सर भी प्रेजेंट थे जी। अंदाजा कितने लोग सर इस शिविर में आए, कितने लोगों ने लाभ उठाया इस शिविर का? 6 दिन में इस शिविर में 353 लोगों ने लाभ उठाया है सुविधाओं का जी। तो इसमें किस तरह के पेशेंट आपके आगे आए हैं, क्या क्या समस्याएं उनकी हुई है? शिविर में सभी तरह के रही हैं, कीड़े की प्रॉब्लम, एक तो कीड़े की काफी दिक्कत है लोगों में, दूसरा दांतों की जो मसूड़ों की दिक्कत है वो बहुत ज्यादा है जी। मसूड़ों का नीचे चले जाना, पायरिया की दिक्कत है वो बहुत ज्यादा देखने में आई है जी। लोगों के दांत टूट जाते हैं, जड़े जड़े रह जाती है, वो बहुत बड़ी दिक्कत है आज के टाइम में बुजुर्ग लोगों में, वो बहुत ज्यादा आई है जी। डॉक्टर साहब, क्या लोगों को सलाह देना चाहेंगे दांतों को लेकर, किस तरह का रख रखाव किया जा सके? दांतों के रख रखाव के लिए एक सबसे जरूरी चीज है, दोनों समय ब्रश होना चाहिए नियमित रूप से जी। दूसरा, शाम अगर आप ब्रश नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट शाम के टाइम में सोते वक्त कुल्ला करके जरूर सोएं, क्योंकि अगर आप सो जाते हैं उसके बाद दांतों में कोई सफाई नहीं हो पाती है, तो सबसे ज्यादा कीड़ा है वो रात के टाइम पनपता है, सुबह उसकी वजह से मसूड़ों मुंह से बदबू आती है, मसूड़ों का जो फूलना है उसका भी सबसे बड़ा कारण वही रहता है। तो सबसे जरूरी सलाह है दोनों टाइम ब्रश कीजिए, चिपचिपा और मीठा लिमिटेड खाइए, और जब भी खाएं कुल्ला जरूर कीजिए जी। यही सबसे बड़ी दांतों को बचाने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर। अभी हमने डॉक्टर साहब से बात की, अभी हम आपको दिखा देते हैं क्लिनिक में क्या क्या सुविधाएं। आप देख रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है। हम ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर साहब से मिलते हैं और उनसे जानते हैं, डॉक्टर साहब ये क्या क्या सुविधाएं आपके यहाँ क्लिनिक में, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में थोड़ा बताएं। यहाँ पे अक्कल दांत निकालने के लिए स्थायी दांत, जो हम इम्प्लांट बोलते हैं, स्क्रू वाले दांत है, उनकी सुविधा और एक बार में नसों के इलाज की सुविधा उपलब्ध है लेटेस्ट टेक्निक के साथ। एक्सरे वगैरह है वो मशीन के द्वारा लैपटॉप पे लिया जाता है। जो मानवीय भूल की मिस्टेक की दिक्कत होती है वो कम से कम होती है। यहाँ पे स्वच्छता के उत्तम मापदंडों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं पैकेट
इंस्ट्रूमेंट्स है वो पैकेट में होते हैं, तो आपको स्वच्छता की गारंटी होती है कि आपके सामने जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्वच्छ है आपके लिए, अकेले स्पेशल आपके लिए खुल रहे हैं पैकेट। जी जी डॉक्टर साहब, और क्लिनिक्स से क्या अलग है आपके पास, क्या हटके है इसके बारे में बताएं? स्वच्छता का ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है, पेशेंट के व्यवहार के वातावरण पेशेंट के अनुकूल रखने की कोशिश की जा रही है, प्यार के साथ स्नेह के साथ काम करने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा कुछ तकनीक, हर तरह की तकनीक, उच्चतम तकनीक अवेलेबल है, बाकी विशेषज्ञ भी हमारे पास कॉल्स पे आते हैं जरूरत पड़ने पर। जी जी धन्यवाद डॉक्टर जी। अब यहाँ पर आए, एक जो अपना निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर लगा हुआ है, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब से बातचीत की, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा भैया, हमारे जो गरीब आदमी है उन्होंने सारा हेल्प मिली इनसे, और जो आसपास के लोग थे उन्होंने भी सहायता मिली बहुत ज्यादा, क्योंकि पास ही डॉक्टर की दुकान होगी, तो सबने बहुत अच्छा लगा। जी जी, उनका बर्ताव और किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया? बहुत अच्छा हैंडल किया, सारी दवाई भी फ्री थी, पर्ची भी फ्री थी, और देखने का तरीका भी बहुत अच्छा है भैया। जी जी जी, शुभ नाम आंटी जी आपका जी, कौशल्या बोल रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जी।